हेलो अरेवान सो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एंड वेलकम टू सेशन ऑफ़ द द स्पेशल सरप्राइज रिवील्ड बाय द ऑल दूस आफ्टर गेट रिजल्ट सो वेलकम ऑल और बहुत सारे लोगों को सरप्राइज जो है ना वास्तव में एक सरप्राइज लगने वाला है रीजन ये है कि गेट के रिजल्ट आने के बाद में आप सभी लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से अपनी जो अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए आप खुद को रेडी करने पर लगे होंगे चाहे आपके पास में आपका बार का एग्जाम हो चाहे आपके पास में आपका कोई भी पी का आने वाला इंटरव्यू हो या फिर आपके लिए आने वाले जो कोप के थ्रू आई के एडमिशंस हैं तो आप सभी लोग आपके पास में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं गेट रिजल्ट के बाद में उन सभी के लिए प्रॉपर तरीके से आप खुद को रेडी कर रहे होंगे सो so, आज का हमारा डिस्कशन जो है ना आज मैं आपको सरप्राइज बताने वाला हूं वो रिवील्ड हुआ है एंड ये सरप्राइज आपको रियली एक सरप्राइज में डाल देने वाला है रीजन ये है कि पेसूज ने जैसा कि 2022 के अंदर जो रिक्रूटमेंट किया और वहां पर आप सभी ने देखा कि जो रिक्रूटमेंट हुए तो बम्पर रिक्रूटमेंट्स हुए थे सभी ब्रांचेस के अंदर में और जैसा कि हमारे पास पिछले दो तीन सालों से हमारे पास जो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थे जो रिक्रूटमेंट थे हमारे वो बहुत ही कम हो रहे थे दो लॉकडाउन ईयर था इक्कीस 21... ये दोनों ईयर हमारे लिए ऐसे रहे जहाँ पर पार्शि लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन आपको मिलता रहा और यहाँ पर रिक्रूटमेंट बहुत कम था दो जब भी आया ना तो वहां पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स मिले काफी अच्छा लगा लेकिन 2023 हजार के अंदर में आपके लिए क्या सरप्राइजेस पी लेकर के आ रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है ठीक है तो इसको लास्ट तक जरूर सुनिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो तक रीजन ये है कि लास्ट में जाते जाते जो है ना दिल खुश हो जाने वाला है चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को तो मेरा नाम है सुमित प्रजापति एम द फैकल्टी ऑफ कैमिकल इंजीनियरिंग इन इंधन अकेडमी प्लेटफॉर्म और आज जो मैं बातचीत करने वाला हूँ वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि गेट का रिजल्ट आने के बाद ऑलरेडी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि गेट का रिजल्ट आने के बाद इस बार जो नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट थे वो भी कम थे और जिस बार क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं वो मात्र अट्ठारह परसेंट है परसेंट लोगों ने गेट का एग्जाम जो है ना क्वालिफाई किया है

और बात है कम होंगे तो ये चीज ऑलरेडी आपको पता चल कि हुए। दूसरी बड़ी बात हमारे पास में ओपन हुए थे तो वहां पर आप सभी ने देखा था कि सबसे बड़ा जो सरप्राइज दिया था वो सल ने दिया था इसके अलावा ओनजीसी ने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी एनपीसीएल आपने देखा वहां पर भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में आई थी देन कोल इंडिया ये सारे के सारे पीसेस में अच्छी खासी वैकेंसी निकल करके आई तो इस बार हमारे पास में 2023 में आपको क्या है आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दो में आने वाला इलेक्शन ईयर तो सर सरकार अगर उनको बनानी है तो युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी और जैसा कि पीएमओ की तरफ से पहले ही किया जा चुका है कि दिसंबर दो हजार तेईस के एंड तक दस लाख वैकेंसी जो है ना आपके लिए आने वाली है ठीक है तो इस पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूं और बता भी चुका हूं कि मेरे पास में जो है ना कितने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज ओपन हो सकती हैं ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल हैं क्या आप बताने वाले हो ठीक है चलिए जरा रिवील करते हैं अपने सरप्राइज को तो सबसे बड़ा बात हमारे पास जो आती है सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में ये आता है कि अभी 2023 का जब गेट का रिजल्ट आउट हुआ ना तो मैंने छोटी सी एनालिसिस की बैठ एनालिसिस में एक चीज निकल करके आई वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी

तो इस बार तुम्हारे तो पास वैकेंसी से कमी होने वाली नहीं है और उसका शुरुआत हो चुकी है गेल ओ इसके अलावा आपका पावर ग्रिड ये तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना ठीक है ना और पता नहीं कितने सारे अभी लाइन में हैं अभी तो मार्च खत्म हो रहा है पूरा साल बाकी है अभी तो दिल थाम के बैठो और कमर की पेटी जो है ना कस लो आप यूसू में जाने के सिलेक्शन के लिए रेडी हैं तो 2022 में जो भी स्कोर था जिस स्कोर पर सिलेक्शन हो रहे थे 2023 में ऐसा क्या सरप्राइज है वो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा सभी लोग मैंने यहाँ पर एक लिस्ट आपको बताई है गेट हमारे पास स्कोर वर्सेस रैंक की मैंने यहाँ पर बात की है अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पर सात ब्रांचेस की मेजरली बात की है दट इज केमिकल मैकेनिकल सिविल देन हमारे पास में ई देन हमारे पास में डबल ई एंड सी ठीक है इन ब्रांचेस की बात की सी एस आई टी लगभग हमारे पास सिमिलर ही रहता है अगर मैं 2022 का अगर स्कोर की पहले बात करता हूं तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास लगभग 719 स्कोर पर जो रैंक थी वो 98 थी 2022 की बात हो रही है ये 719 स्कोर पर 98 रैंक थी और अगर मैं इस बार की बात कर रहा हूं तो 701 स्कोर पर जो रैंक है वो 97 है क्या दिखा दिख रहा है कि लगभग लगभग रैंक तो सिमिलर है 98 हो या 97 रैंक तो सिमिलर है लेकिन स्कोर सर इस बार लो आ गया है समझ में आ रही एक चीज

कितना बड़ा वेरिएशन दिख रहा है कितना बड़ा वेरिएशन दिख रहा है आगे से। स्कोर था। 22, रैंक पर। और इस बार देख लो जरा छह सौ स्कोर हमारे पास कितनी रैंक पर है अठारह सौ उनहत्तर रैंक पर छह सौ का स्कोर है सारे सर हमारे पास रैंक सारी इंप्रूव हो रही है मतलब रैंक हमारी कम हो रही है और गेट स्कोर भी हमारा क्या है डिक्रीज़ हो रहा है ये तो गजबी चीज होती है ठीक है आगे देखिए जरा अगली बार की बात करते हैं ईसी की बात करते हैं इसी के अंदर देखिए 600 लगभग साढ़े छे स्कोर की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर चार रैंक है चार रैंक है लगभग लगभग छह सौ स्कोर की बात कर रहा हूँ रैंक 500 है रैंक पाँच है क्या बात है नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से डबल ई हमारे पास अगर बात कर रहा हूँ डबल ई के अंदर मेरे पास में लगभग साढ़े छे सौ स्कोर पर जो रैंक हमारे पास में है नौ हजार छे सौ कुछ समथिंग रैंक है डबल ई के अंदर इस बार देख लो जरा साढ़े छो स्कोर पर जो रैंक है कितनी है चार सौ दस है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपियर हुए हैं और कितना क्वालिफाइंग रेट इस बार डिक्रीज हुआ है ये चीज आपकी शो कर रही है बहुत ध्यान सुनना बच्चा लास्ट तक आगे बात करता हूँ सीएसआरटी के लिए देखिए जरा मेरे पास लगभग साढ़े छे सौ की मैं बात कर रहा हूँ कितना मेरे पास रैंक था नौ सौ तेरह रैंक था लगभग नौ सौ के आसपास रैंक था लास्ट ईयर 2022 में इस बार देखो जरा वहीं पर बात कर रहा हूं छह स्कोर वही है रैंक कितनी आ चुकी है सात जस्ट लगभग लगभग हमारे पास कितना हो गया 200 का डिफरेंस आ रहा है तो इस सभी ब्रांचेस के अंदर में जो स्कोर आप सभी देख रहे हैं तो यहां से एक मेरे पास में हिंट दिख रही है वो हिंट ये दिख रही है कि सर इस बार गेट का रैंक इंप्रूव हुआ है और गेट स्कोर डाउन आ रहा है कुछ हिंट लग रहा है हिंट सिर्फ इतना लग रहा है कि लास्ट ईयर तुम्हारे पास पर अगर तुम्हारा अगर कोई भी पीएसू अगर सिलेक्शन साढ़े छह सौ स्कोर तक करता है तो लास्ट ईयर अगर तुम्हारा अगर रैंक ब्रांच वाइज डिपेंड करता है यहाँ पर साढ़े छह सौ पर मैकेनिकल सिविल के अंदर ब्रांच में रैंक बढ़ जा रहा है केमिकल के अंदर तो बहुत ही कम रहेगा तो अगर कोई पीएसू अगर साढ़े छह सौ स्कोर तक अगर सिलेक्शन करता है तो ये मान के चलिए कि इस बार आपका जो है ना रैंक का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है तो अगर लास्ट ईयर अगर आपका सिलेक्शन अगर साढ़े छे सौ स्कोर पर अगर आपका सिलेक्शन जैसे मैं केमिकल की के बात कर रहा हूँ तो साढ़े छह सौ स्कोर पर अगर आपका सिलेक्शन लास्ट ईयर अगर आपका डेढ़ सौ रैंक तक हुआ है बिकॉज इस बार एक सौ आठ रैंक पर छे सौ सत्तानवे स्कोर है केमिकल के अंदर एक सौ आठ रैंक पर छे सौ सत्तानवे स्कोर है तो इस बार हमारे पास में क्या है स्कोर हमारे पास ऑलरेडी डाउन हो चुका है और रैंक हमारी इंप्रूव होती चली गई है तो मतलब हमारे पास में क्या है कि इस बार सभी अगर सेम वैकेंसीज निकालते हैं तो दिल ताम के बैठिए क्योंकि आपके पास सिलेक्शन का परसेंटेज क्राइटेरिया और चांसेस जो इस बार ज्यादा है रीजन है आपका स्कोर तो साढ़े छ सौ स्कोर पर इस बार हो सकता है कि किसी ब्रांच के अंदर जैसे मैं केमिकल की बात कर रहा हूं साढ़े छे सौ स्कोर पर इस बार दो तो सौ रैंक वाले को जो है ना जनरल कैटेगरी में चांस मिल सकता है किसी पी के अंदर मिनिमम बात कर ली ना लास्ट ईयर तो आईओसीएल बोला भाई साहब साढ़े तीन सौ जनरल चले आओ ओबीसी कैटेगरी कटेगरी एससीएसटी कैटेगरी में चौदह सौ रैंक वाले चले आओ आईओसीएल के अंदर इस बार क्या होगा सोच रहे हो चौदह सो जिसका एससी कैटेगरी में रैंक रहा होगा स्कोर, स्कोर कितना रहा होगा तो इस बार भाई साहब ये मान के चलिए कि लगभग दो जिसका एससी कैटेगरी रैंक है जिसका स्कोर वही लास्ट ईयर वाला है लेकिन इस बार रैंक रीजन मैंने यहाँ पर सात वाला लिखा है अभी बीच में जैसे ही आप जाओगे ना साढ़े छह सौ सौ छह सौ पर जाओगे सभी ब्रांचेस के, वो इसी के, होती। से के, के बीच की सारी भीड़ होती है, है ना? तो यहां पर आपके पास में क्या है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्वालिफाई होना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कम अपियर होना लेकिन गेट और पीएसयू के अंदर क्या वैकेंसीज कम हो रही हैं क्या लास्ट ईयर मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको कम होने वाली हो सकता है किसी पीएसयू के अंदर पांच या दस वैकेंसीज कम हो जाए लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे पीएसयू के अंदर, अंदर आप ही के, 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 के ब्रांच में वैकेंसी प्लस करके आ जाएंगी तो कुल मिलाकर के जो रेशियो है लगभग सिमिलर रहने वाला है दो का सिमिलर ही दो में आपको चांसेस मिलने वाले हैं समझ रहे हैं क्या फीलिंग आने वाली 2023 के अंदर अब आपको एक काम करना है खुद को रेडी करिए ठीक है इसके साथ साथ जितने भी लोग नीटी मुंबई के लिए एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा बड़ा में हैं। 5 है पांच अप्रैल लास्ट डेट है पांच अप्रैल से पहले जो डिसीजन लेना ले लीजिए पहले से बता दे रहा हूं मैं सात रैंक बॉयज के लिए जनरल कैटेगरी जिनका भी रहता है सात स्कोर सॉरी सात स्कोर जिनका भी रहता है जनरल बॉयज कैटेगरी में वो अभी तक फॉर्म फिल करते आए हैं और जिनका भी सात सौ साढ़े सात सौ स्कोर लगभग रहता है आपका गर्ल्स के लिए सात और बॉयज के लिए साढ़े सात अगर रहता है नेटिंग में जनरल कैटेगरी के लिए तो आप अप्लाई करते आए हैं अभी तक दो तक 2023 में सीनेरियो आपको बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा रीजन ये है कि इस बार ये सारा का सारा जो है ना रीजन के है? हमारे पास स्कोर डाउन आ चुका है ना स्कोर डाउन आ चुका है नेटी के अंदर सीट्स तो कम नहीं हो रही हैं सीट्स तो उतनी है और वो हमेशा नेटी लगभग लग लगभग लग 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 वन रेशो फाइव के रेशियो में कॉलिंग करता है अगर मान लीजिए कुछ अगर मैं लेट करता हूँ कि हंड्रेड अगर सीट्स हैं तो पांच लोग को कॉल करेगा तो पांच लोग के लिए हमारे पास में क्या स्कोर उसको डिक्रीज करना पड़ेगा ना स्कोर ऑब्वियसली बात है ऑब नीचे आ चुका है हमारे पास स्कोर नीचे आ चुका है देख रहे हैं पीछे तो स्कोर हमारे पास में क्या है मतलब अभी तक अगर कॉलिंग अगर गर्ल्स के लिए अगर 700 पर कॉलिंग होती थी जनरल कैटेगरी में तो इस बार साढ़े छह सौ आ जाएगा बॉयज के लिए साढ़े सात सौ सात सौ आ जाएगा कैटेगरी की अगर बात करेंगे ओबीसी की बात करेंगे तो वो हमारे पास में क्या होगा लगभग छह के आसपास और एस सी अगर बात करेंगे लगभग चार के आसपास क्या ही बात है नीटी मुंबई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है इंटरव्यू में कॉल होने के बाद पूरा का पूरा आपका डिपेंडेंसी होगी इंटरव्यू पर तो इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी हम सीरीज़ लेकर के आएंगे ठीक है ना आ, पैनल डिस्कशन या फिर मॉक इंटरव्यूज जो है ना आपके लिए अरेंज करेंगे हम लोग जो भी नीटी के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं ठीक है तो वहाँ के नेटी के ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उनके साथ मिलकर के आपके लिए हम लोग जो है ना मॉक इंटरव्यूज़ प्लान करेंगे सभी ब्रांचेज के लोग अगर अगर अपियर होना चाहते हैं तो मेरे को जस्ट जो है ना आप इन्फॉर्म करिए आप लोग को लेकर के हम लोग मॉक इंटरव्यूज प्लान करेंगे एंड इसके साथ साथ जितने भी लोग पीएसयूज एस इंटरव्यूज के लिए प्लान कर रहे हैं तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने आपको बार का भी रिटर्न होने के बाद आठ नौ अप्रैल के बाद में जो है ना हम लोग बार के लिए भी आपका मॉक इंटरव्यूज प्लान करेंगे और लास्ट ईयर जैसे आईओसीएल के लिए हम लोगों ने प्लान किया था मॉक इंटरव्यूज इस बार भी मॉक इंटरव्यूज आपके लिए प्लान करेंगे हम हर चीज के लिए आपके साथ में रेडी हैं ठीक है ना आपका सिलेक्शन किसी भी तरह से होना चाहिए जो लोग भी नेटिव मुंबई जाना चाहते हैं अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए रीजन क्या है कि आपको वहां पर अपना विजन समझाना पड़ेगा इंटरव्यू के अंदर कि वाई यू वॉन्ट टू चूज द नेटिव मुंबई ठीक है तो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए और ये चीज आपके पर्सनलिटी में झलकनी चाहिए शो होनी चाहिए ठीक है जो लोग पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जिनका भी रैंक मैंने स्कोर बताया ना इस बार कि लगभग जिस स्कोर पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था तो अगर लास्ट ईयर अगर हमारे पास में साढ़े तीन सौ अगर जनरल रैंक वाले को या फिर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर किसी जनरल अगर साढ़े छे सौ स्कोर वाले को अगर आई सी एल ने अगर इस बार सेलेक्ट किया था लास्ट ईयर तो इस बार साढ़े छह सौ स्कोर पर तुम्हारी जो रैंक होगी जनरल कैटेगरी में वो हमारे पास और अच्छी इंप्रूव हो चुकी होगी ठीक है ना तो वो चीज आपकी बढ़ जाने वाली है क्राइटेरिया आपका ब्रॉड हो चुका है इस बार क्योंकि स्कोर डाउन आ चुका है ठीक है इसलिए आपके लिए बहुत ही गुड साइन है और यही आपका सबसे बड़ा सरप्राइज था पीएसओ की तरफ से अगर वही वैकेंसीज ओपन होकर के आ रही हैं तो खुद को आप रेडी करिए इंटरव्यूज के लिए रीजन ये है कि इंटरव्यू में अगर आपको चांस मिलता है तो वहां पर पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी होगी वो आपके कंधों पर होगी उस इंटरव्यू में खुद का सिलेक्शन तक जो है ना आपको पहुंचाना ठीक है तो अगर इंटरव्यू का चांस अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आप सभी लोग खुद को रेडी करिए फिर ठीक है ना उस इंटरव्यू के फाइनल सिलेक्शन होकर के निकलने का वहां फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा आपके लिए सरप्राइज था जो कि पी एस्यूज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सरप्राइज तो एक्चुअली दिया है वो आपका गेड स्कोर ने ठीक है तो गेड स्कोर आप कर लो हो जाने से ही आपके पास सारे चांसेस जो है ना वो ओपन होकर के आ रहे हैं तो आप सभी लोग जो है ना यहाँ से खुद को रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है आई हो चाहे वो आपका पावर ग्रेड हो चाहे वो आपका एन हो चाहे वो आपका भेल का भी रिटर्न भी बाकी है आपका देन हमारे पास गेल हो ओ हो आई हो एस रिटर्न कराएगा अपना ये सारे वो पी जिनके अंदर हमारे पास ना बिल्कुल बोलते हैं ये तो आएंगे ही आएंगे इनका तो आना फिक्स है ना ऑलरेडी आपको पता है सात पी एसओ डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट गेट 23 के थ्रू होने वाला है तो ये तो मैं गेट की बात कर रहा हूँ बाकी इतने सारे पीएसओ जो अपना खुद का रिटर्न कराते हैं ठीक है ना तो उनके लिए भी आप जो है ना इस बार काफी सारी चीजें जो है ना आपके फेवर में रीजन क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट गेट से खत्म हुआ है के अंदर सीट्स कम नहीं हुई है पीएसओ के अंदर जो है वैकेंसी बार दो हजार तेईस में कम नहीं आने वाली हैं ठीक है तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बुलंद है ठीक है बच्चा तो आज की लिए इन्फॉर्मेशन आप सभी को मेरी तरफ से इतनी थी और दूसरी बात ये इन्फॉर्मेशन तो थी उनके लिए जिन्होंने गेट ट्वेंटी थ्री का दिया हुआ है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ठीक है ना और जो लोग अभी आपके जूनियर्स हैं तो उनके लिए भी एक सरप्राइज होना चाहिए ना तो आपके लिए भी सरप्राइज है ठीक है ना आपके लिए सरप्राइज बेटा सिर्फ इतना सा है कि जो भी लोग गेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक की हिस्ट्री में पिछले एक साल के दौरान जब से प्राइस हाइक हुआ है तब से इस कॉस्ट पर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है और यहाँ पर वन सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको थ्री मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आप टू सब्सक्रिप्शन टूर्यशन करने जा रहे हैं तो आपको फोर मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये प्राइसेस जो आपको दिख रहे हैं ये एमसीएस I कैटेगरी mean, के, के प्राइसेस है और यहां पर अगर आप प्लान कोई भी चूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात आपके लिए तो ये होती है कि प्लस का प्लेटफॉर्म जो कंटेंट आपको देता है इस बार जितनी भी आपको ए आई मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म से सारे के सारे प्लस के हमारे स्टूडेंट ठीक है ना इस साल नहीं तो लास्ट ईयर रहे लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्लस से रिलेशनशिप रहा और उन्होंने प्लस के थ्रू जो प्रिपरेशन की है वहां से उनको रैंक मिली है दैट इज अनदर लेवल

लोड आपके पॉकेट पर ना है तो कम से कम रेट पर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ड्यूरेशन का प्लान मिल रहा है पंद्रह महीने का प्लान आपको मिल रहा है अप्रॉक्सिमेटली कितना पैसा पे करना है बत्तीस हजार तीन सौ आपको पे करना और यहीं से आपको जो है ना प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तो कोई भी इनमें से आप प्लान चूज कर सकते हैं ठीक है ठेके? मेरे को आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं मेरा कोड है इसके पी हंड्रेड और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको जो, तो तो जो है ना मिलती रहेंगी इन फ्यूचर ठीक है तो ये तो जस्ट जो है ना इनफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका था कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं क्या इस बार सीनेर रहने वाला है कैमिकल वालों को पहले ही मैंने आगाह किया था कि खुद को इस बार रेडी कर लीजिए कुछ कैसा भी पेपर आप करके आइए इस बार कट ऑफ आपका कम जाए या ज्यादा जाए लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट आपका ही है रीजन क्या है कि नंबर ऑफ फर्स्टेंट जो क्वालिफाइड हो रहे हैं यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा सभी को ठीक है तो 2024 और 25 वाले भी खुद को रेडी करिए प्रॉपर तरीके से आपके पास प्लान्स अवेलेबल हैं अपनी ब्रांच के, के आप मूव कर सकते हैं ये प्लान मैंने एस का बताया है बाकी जो लोग भी सी सिविल इंजीनियरिंग से हैं डबल से हैं तो वो लोग अपनी ब्रांच का प्लान चूज कर सकते हैं अपनी फैकल्टी के साथ मूव कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर मूव करें तो फैकल्टी के साथ ही मूव करें क्योंकि कभी ना कभी घूम करके चाहे आपके डाउट्स के लिए हो चाहे आपकी क्वेरीज के लिए हो चाहे सर प्लेसमेंट के लिए हो चाहे आपका पीएसयू जॉब के लिए हो चाहे वो इंटरव्यूज के लिए हो चाहे वो आपका ज में एडमिशन के लिए हो अल्टीमेटली गाइडेंस आपको फैकल्टी से ही लेना पड़ेगा तो आएंगे आप फैकल्टी के पास ही इससे अच्छा ये स्टार्टिंग से ही फैकल्टी के साथ मूव करें ना बाद में प्रॉब्लम फेस करें हम फिर हम बोले सॉरी सर गलती हो गई इससे अच्छा है स्टार्टिंग फेज से ही आप फैकल्टी के साथ मूव करिए फैकल्टी कोड के साथ मूव करिए मेरा कोड है इसके हंड्रेड मेरे कोड के साथ मूव कर सकते हैं देन और जो भी आपके पास आपके ब्रांच की फैकल्टी है आप उसके साथ मूव करिए ठीक है तो मस्त तरीके से खुद को रेडी करिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेगी जैसे आज तक मैं आपको प्रोवाइड करते हुए आया हूँ और ऐसी बहुत सारी मजेदार जो है ना डेटा एनालिसिस जो है मैं करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड विशेस ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और इंटरव्यूज और मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और खुद को गेट ट्वेंटी और ट्वेंटी के प्रशन के लिए अभी से रेडी करिए तो थैंक यू एवरी वन एन आइस डे एंड लेट्स क्रैकेट